हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल रेमेंदर मैथ हब आई एम रिमेंदर गाइज आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोज टाइम पर मिलती रहे आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर फाइव पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर टू इसके सारे पार्ट्स को हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन इज फाइंड द सम्स गिवन बिलो हमें यहाँ पे ए पीज गिवन है और उनका हमें सम फाइंड आउट करना है फाइन सो so, जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर वन इसमें भी हमें सम ऑफ ए पीज ही फाइंड आउट किया था हमने फाइन लेकिन वहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पता थे गिवन थे तो हम इजिल वहां पे एस का फॉर्मूला अप्लाई करके सम फाइंड आउट कर रहे थे ठीक है इसी तरह से यहां पे भी करेंगे लेकिन हमें यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पता नहीं है तो वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे फाइन क्योंकि यहां पे हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म और लास्ट टर्म गिवन है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है सो हम फाइव का एक फॉर्मूला था एन टर्म का वो अप्लाई कर सकते हैं वहां से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं फाइन सो so, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर वन पहले इसका पार्ट वन उसमें देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड ये नहीं पता हमें कौन से नंबर पर है ये टर्म तो इसको लेट कर लेते हैं एन टर्म फाइन जिसका हमें नहीं पता होता है कि कौन से नंबर पर है वो टर्म तो उसको हम एन एच टर्म लेट कर लेते हैं फाइन अब सारा कुछ जो जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे ए इज इक्वल टू सेवन फर्स्ट टर्म डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म दैट इज सेकेंड टर्म इज टेन एंड अ हाफ माइनस सेवन तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में पहले चेंज करें दिस इज़ टू इंटू टेन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन बाय टू माइनस सेवन इसको सॉल्व करेंगे अब ये फ्रैक्शन है तो इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे टू और वन का एलसीएम कितना आया टू है ना सेवन के नीचे कुछ नहीं है मीन्स यहाँ पे वन है फाइन सो so, अब टू और वन का एलसीएम आ गया टू टू के टेबल पर टू वन पर वन इंटू ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन माइनस वन के टेबल पर टू टू पर टू इंटू सेवन फोर्टीन सो so, ये हमारे पास माइनस करके बना 21 में से 14 माइनस किए तो 7 बाई टू सो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी 7 बाई टू बनी फाइन सो so, अब हम आ, हमारी एन टर्म जो है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं एन टर्म एस 84। तो एन टर्म का फॉर्मूला लगाएँ क्या था इसका फॉर्मूला एन टर्म का ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी फाइन यही फॉर्मूला था तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एन की जगह पर और एटी फोर हमें गिवन है एन एट्स टर्म फ़ाइन सो so, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है सेवन प्लस एन हमें फ़ाइंड आउट करना है डी की वैल्यू सेवन बाय टू इज़ इक्वल टू एटी फोर देन इसको सॉल्व करेंगे सेवन उधर जाके माइनस होगा पहले एन माइनस वन इन टू सेवन बाय टू इज़ इक्वल टू एटी फोर माइनस सेवन फाइन तो माइनस करके कितना बनाइए सेवेंटी सेवन बन गया अब देखिए आगे हमें क्या करना है एन की वैल्यू चाहिए ना तो हम टू को भी उधर शिफ्ट करेंगे और सेवन को भी है ना तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा टू जाएगा ऊपर और सेवन जाएगा नीचे सेवेंटी सेवन इंटू टू अपॉन सेवन ठीक है जो न्यूमरेटर है वो इक्वल टू के उधर जाके डिनोमिनेटर में जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा फाइन सो so, यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है सेवन वनज एज सेवन सेवन इंटू इलेवन इज सेवेंटी सेवन सो दिस इज़ ट्वेंटी टू बन जाएगा इलेवन इंटू टू करके फाइन तो so, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास वन जो है माइनस का है उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा सो so, n इज़ इक्वल टू ट्वेंटी थ्री इसका मतलब जो एटी फोर है हमारा वो ट्वेंटी थर्ड टर्म है इस गिवन इन ए पी की फाइन अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाएं एस एन के दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी और दूसरा कौन सा है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा दोनों केसेस में आपको दोनों से इसको करके दिखा देती हूँ सब हमको सॉल्व ठीक है सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू एन इज़ ट्वेंटी थ्री बाई टू टू इंटू ए ए इज सेवन प्लस एन माइनस वन ट्वेंटी थ्री माइनस वन इंटू डी डी इज सेवन बाई टू फाइन सो so, यहाँ पे 23 थ्री बाय टू इंटू फोटीन प्लस दिस इज़ ट्वेंटी टू इंटू सेवन बाई टू यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है टू वन ज टू टू इलेवन ज ट्वेंटी टू सो यहाँ पर बना हमारे पास ट्वेंटी थ्री बाय टू इंटू फोटीन प्लस इलेवन इंटू सेवन सेवेंटी सेवन इनको ऐड करके हमारे पास आएगा ट्वेंटी थ्री बाय टू इंटू दिस इज़ ये बनेगा हमारे पास नाइन्टी वन ठीक है तो अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि कटिंग तो कोई पॉसिबल है नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए मैं यहाँ पे रफ में कर देती हूँ मल्टीप्लाई दिस इज़ थ्री देन ट्वेंटी सेवन टू एटीन ये बना हमारे पास टू ज़ीरो नाइन थ्री अपॉन टू फाइन तो ये हमारा आंसर है इसको हम मिक्स में चेंज कर लें क्योंकि एक जो टर्म थी हमारी ए पी गिविन की तो उसमें एक टर्म जो है वो फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में थी ठीक है तो इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं कैसे करते हैं टू जीरो नाइन थ्री को हम डिवाइड करेंगे टू के साथ तो ये क्या बनेगा टू वन ज़्यार टू देन जीरो तो ऐसे एज इट इज आ जाएगी जीरो ऊपर और बाद में नाइन देन एट गया फोर पर और देन वन इज रिमाइंडर तो अभी थर्टीन थ्री नंबर भी है थर्टीन आ गया नीचे ट्वेल्व गया सिक्स पर तो हमारा रिमेंडर बचा वन यहाँ पे, ठीक है तो हम कैसे लिखते हैं इसको मैक्सप्रेक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ पे रिमेंडर ऊपर और जो डिवाइजर है वो नीचे फ़ाइन सो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम डिवाइड हमने कर लिया ये आ जाएगा टू 1046 वन जीरो फोर सिक्स और ऊपर रिमाइंडर वन ठीक है तो ये हमारा बना फाइनल आंसर एस एन का हम इस फॉर्मूला से भी कर सकते थे और इससे भी कर सकते हैं देखिए कैसे अब इससे भी सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको एस एन इज़ इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल एल इज़ एटी फोर फाइन सो लास्ट टाइम हमारी एटी फोर थी देन अब हम इन दोनों को ऐड करके ये हमारा बन रहा है इन टू दिस इज़ अगेन नाइन्टी वन तो सेम नंबर यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके यही बना था तो so, यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टू जीरो नाइन थ्री अ टू इसको भी चेंज करेंगे अगर हम मेक्स्ट फ्रैक्शन में तो ये बनेगा वन ज़ीरो फोर सिक्स एंड हाफ ठीक है तो सेम आंसर्स हैं जैसे मर्जी आप कर सकते हैं अगर आपको ये याद नहीं रखना है फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला यही याद रखो और उसी से सारे से सॉल्व हो जाएंगे ठीक है अब हम सेकेंड पार्ट भी करते हैं अपना सेकेंड पार्ट इज़ थर्टी फोर प्लस थर्टी टू प्लस थर्टी अप टू सो वन प्लस टेन सो दिस इज द फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड दिस इज़ एनएच टर्म फाइन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया सेम वैसे ही करेंगे ये हमें नहीं पता था कौन से नंबर पर है ये टर्म तो इसको एनएच टर्म लेट किया अब सब कुछ जो जो हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म इज़ थर्टी फोर कॉमन डिफरेंस डी इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सो थर्टी टू माइनस थर्टी फोर दिस विल बी माइनस ऑफ टू है ना थर्टी टू माइनस थर्टी फोर इज़ टू और थर्टी फोर बड़ा और और उसके साथ माइनस का साइन है सो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आ गया ठीक है सो एन एच टर्म यहाँ पे टेन है तो एन एच टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एंड टू डी फाइन सो ए एन हमारे पास है टेन ए की वैल्यू थर्टी फोर एन हमें फाइंड आउट करना है और डी हमारा माइनस ऑफ टू फाइन सो थर्टी फोर पहले उधर जाके सब होगा क्योंकि यहाँ पे ये यह प्लस का है इज इक्वल टू एन माइनस वन एन टू माइनस ऑफ टू ये बन गया हमारे पास माइनस ट्वेंटी फोर है ना टेन माइनस थर्टी फोर इज़ ट्वेंटी फोर और साथ में बड़े का साइन फिर से माइनस का इज़ इक्ल टू एन माइनस वन एन टू माइनस टू अब माइनस टू उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये यह मल्टीप्लाई हो रहा है फाइन सो so, यहाँ पे माइनस टू इधर जाके डिवाइड हो गया एन माइनस वन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस के साथ माइनस कैंसिल टू वन जर टू टू ट्वेल्व आर ट्वेंटी फोर सो ट्वेल्व यहाँ पे बन गया अब ये वाला माइनस वन उधर शिफ्ट होगा ये प्लस का हो जाएगा और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी बन रही है फिर थर्टीन फाइन सो एन आ गया हमारे पास अब हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल ठीक है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का लगा देते हैं फॉर्मूला हम दूसरा भी लगा सकते हैं उससे भी आपका आंसर आ जाएगा सेम ठीक है तो यहाँ पे एन की वैल्यू इज़ थर्टीन थर्टीन बाई टू ए इज़ थर्टी फोर एंड लास्ट टर्म इज़ टेन फाइन सो इनको अब सॉल्व कर लेते हैं थर्टीन बाई टू इन टू इन दोनों को ऐड करके हमारे पास बनेगा फोर्टी फोर यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है टू वन ज़ा टू 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 ज़ा ट्वेंटी फ़ोर और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके थर्टीन और ट्वेंटी टू को हमारे पास आएगा टू एटी सिक्स फाइन सो हमारा जो सम है वो फाइंड आउट हो गया इस केस में भी अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ लास्ट पार्ट इज़ नाउ माइनस फाइव प्लस माइनस एट प्लस माइनस इलेवन प्लस अप टू सोन प्लस माइनस टू थर्टी दिस इज द एपी इसमें भी देखिए फर्स्ट टर्म इज माइनस फाइव फर्स्ट टर्म है हमारी माइनस फाइव और कॉमन डिफरेंस के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें सेकेंड टर्म इज माइनस एट एंड माइनस माइनस फाइव ठीक है ये माइनस जो है ये हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो माइनस करते हैं वो वाला और इनका अपना माइनस भी है साथ में टर्म्स का माइनस एट माइनस माइनस फाइव ठीक है इसको सॉल्व करके देखिए माइनस एट माइनस माइनस इज प्लस का फाइव दिस इज प्लस माइनस अब माइनस एट में से फाइव गए थ्री और साथ में बड़े का साइन माइनस का सो so, डी इस केस में आया हमारा माइनस थ्री और एन एच टर्म क्या है हमारी माइनस टू थर्टी फाइन सो अब यहाँ पे फिर से एन एच टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एन फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि एन फिर से नहीं पता इस केस में भी तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू माइनस फाइव प्लस एन माइनस वन इन टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू थर्टी पहले फाइव उधर शिफ्ट होगा माइनस है यहाँ पे ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा ये प्लस फाइव हो गया ठीक है देन प्लस माइनस इज माइनस टू थर्टी में से फाइव माइनस किए तो कितना बना टू ट्वेंटी फाइव और साथ में माइनस का साइन क्योंकि बड़ा नंबर टू थर्टी उसके साथ माइनस है फाइन अब यहाँ पे एन माइनस वन की वैल्यू कितनी बनी फिर माइनस का थ्री उधर जाके क्या होगा अब डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था एन माइनस वन के साथ ठीक है तो यहाँ पे माइनस टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव के साथ माइनस थ्री डिवाइड होगा माइनस के साथ माइनस गोज थ्री वन जर थ्री थ्री सेवन जर ट्वेंटी वन एंड देन फाइव का फिफ्टीन ठीक है तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी बनी फिर हमारे पास एन माइनस वन हमारा आया सेवेंटी फाइव तो एन की वैल्यू विल बी सेवेंटी फाइव प्लस वन ठीक है माइनस का वन उधर जाके प्लस का वन हो गया तो एन की वैल्यू इस केस में आई हमारे पास सेवेंटी सिक्स फाइन सो अब देखिए एन की वैल्यू आ गई ऐसे एन लगाएंगे फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके हमारे पास आंसर बन जाएगा फाइन सो दिस इज़ सेवेंटी सिक्स अपॉन टू इंटू ए ए इज़ वर्ट ए था हमारा माइनस ऑफ फाइव और लास्ट टर्म है हमारी माइनस ऑफ टू थर्टी इनको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे देखिए कटिंग पॉसिबल है टू वन जा टू टू थ्री ज़ा सिक्स एंड देन एट ज़ा सिक्सटीन थर्टी एट बन गया यहाँ पे और देन थर्टी एट इंटू माइनस फाइव प्लस माइनस माइनस टू थर्टी फाइन अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए यहाँ पर तो प्लस करके इन दोनों को क्या बना 235 और साथ में माइनस क्योंकि बड़ा जो नंबर है वो 230 है उसके साथ माइनस है फाइन इन दोनों नंबर्स को अब मल्टीप्लाई करके 35 और 235 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा टू एट नाइन थ्री जीरो और साथ में माइनस का साइन बिकॉज प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस देते हैं फाइन सो दिस इज़ द एस एन ऑफ़ द थर्ड पार्ट इसके साथ ये सारे पार्ट्स जो हैं खत्म हो गए सेकेंड क्वेश्चन ओवर इज नाउ. तो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स